एक नई जिंदगी देगा। तुड़का क्या है, आपने देसी घी लेना है एक छोटा चम्मच, देसी घी आपने वो लेना है जो घर में बना हो, बाजारी देसी घी आपने यूज नहीं करना। और इसमें आपने एक चम्मच कच्चा दूध ऐड कर लेना है, उसको आपने इतना मिक्स करना है कि ये क्रीम की तरह बन जाए। जब ये आपको लगे कि क्रीम की तरह बन चुका है तो उसमें आपने बेसन की इतनी मिकदार ऐड करनी है कि ये थिक सा पेस्ट बन जाए। इतना थिक भी नहीं होना चाहिए कि आपके फेस पे अप्लाई ना हो सके, नॉर्मल थिक का आपने इसको बनाना है। और अपने फेस पे अप्लाई करें और फेस पे अप्लाई करने के बाद इसको आप 20 मिनट के लिए छोड़ दें, इसको ड्राई होने दें। जब आपको लगे कि ये फेस पे ड्राई हो गया है तो आपने नीम गर्म पानी लेना है और उस अपने फेस को गीला करना है। फेस को गीला करने के बाद उसको आपने 10 मिनट अपने फेस के ऊपर आप मसाज करना है। 10 मिनट मसाज करने के बाद आपने हल्का सा जो नीम गर्म पानी होता है उसके साथ अपने फेस को वॉश कर लें और आप देखेंगे कि आपकी स्किन इंतहाई नरम हो जाएगी। और ना सिर्फ नरम हो जाएगी बल्कि आप देखेंगे कि आपकी स्किन इंतहाई चमकदार भी होगी है। अगर आप इसको रेगुलर रूटीन में यूज करते हैं तो आपके चेहरे के ऊपर जो रिंकल्स बनने का मसला है वो भी खत्म हो जाएगा। और अगर आपके चेहरे के ऊपर कुछ दाग धब्बे हैं तो ये उनको भी खत्म कर देगा और आपके चेहरे की जो जेल्द है वो हमेशा सेहतमंद और चमकदार रहेगी। इतना ही आसान सा टोटका है, आजमाइएगा जरूर और आप इसके रिजल्ट देख के खुश होंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि